जो हम लोग ब्रांड खोलने वाले हैं, निदा उसको खुद डिजाइन कर रही है गाइस। वो डिजाइन आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। फुल मीटिंग चालू है यहाँ पर। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है और सारी डिजाइन सिलेक्ट हो चुकी है हम लोगों की। मतलब इतनी रात में 5 बजे मैडम को कार की एसी में घूमना है क्योंकि घर की लाइट गई है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी का स्वागत है नियान की नोक जो बड़ी छोटी सी दुनिया में। आज भी हम निकल पड़े हैं हमारे काम के लिए एज यूजुअल, है ना सुफियान? तुमने चीज नोटिस की है, हमारा इंट्रो मेरा इंट्रो अलग है। मैं बोलता हूँ हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जो बड़ी छोटी सी दुनिया में। तुम क्या बोलते हो? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है नियान की नोक जो बड़ी छोटी सी दुनिया में। गाइस कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या सुनना है, जो निदा बोल रही वो वाला सुनना है कि जो मैं बोल रहा वो वाला सुनना है? बाकी दोनों सेम ही है वैसे तो। चलो ठीक है, कोई वांदा नहीं है, मत बोलो गाइस। तो ये मेरी मिमिक्री कर रहे थे और पकड़े गए, मैंने चालू कर दी कैमरा। करो करो मेरी मिमिक, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी करती हूँ। पर ये इसने क्या करी अभी, इसने अभी टेक ली, अभी कैमरा बंद कर दिया। नहीं तो जो चीज के लिए जा रहे हो तो बता, तो बोलते अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। मैं बोला वहाँ पे थोड़ा टाइम लिख के आने वाले कि 6 बजे निदा ने बोली है कि ये टेक लेंगे, 6:30 बजे अभी ये। अरे कभी भी लो, फर्क थोड़ी पड़ता, बात तो एक ही, लोगों को एक ही फ्लो में दिखने वाला है। हो गया हो गया, धो लो। ऐसा करने का मिमिक, देखो मैं कितनी अच्छी करती हूँ। तुम तो गंदी एक्टिंग करते हो, तुम ओवर एक्टिंग करते हो। अच्छा तुम करते हो, तुम एग्जैजरेट करते हो। हो गया, बड़ा इंग्लिश बोला मैंने। स्पेलिंग बोलना, EXXAGRE, हाँ तो एग्जैजरेट। आप लोग कमेंट करके बताना सही स्पेलिंग बोला कि नहीं। अबे सही बोला हूँ मैं, तुमको खुद को नहीं पता है, कमेंट में पूछ रहे लोगों से। गाइस मेरी जिंदगी में क्यों इतनी ट्रैफिक लिखी है मेरे को नहीं समझ आता यार। गाइस पता नहीं साला, मतलब इतना दूर से नवी मुंबई से हम लोग ईस्ट से हम लोग वेस्ट में पहुंच जाते, सारा वेस्ट में आके ही फंस जाते, पता नहीं क्यों। निदा देखो टाइम पास करने बैठ गई है यहाँ पर। और गाइस निदा इससे पहले जो बोलने वाली थी कि हम लोग किस चीज के लिए बाहर जा रहे हैं, गाइस तो निदा शर्मा रही थी बोलने के लिए, क्योंकि निदा को ऐसा मुझे लगता है, बताई नहीं उसने मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो अगर अपने मुंह से बताए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो लोग समझेंगे कि निदा अपनी बढ़ाई मार रही है। क्यों गाइस? क्योंकि जो हम लोग ब्रांड खोलने वाले हैं, निदा उसको खुद डिजाइन कर रही है गाइस। वो डिजाइन आपको पूरी मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी जो निदा कर रही है, क्योंकि हम लोग खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम लोग किसी होलसेलर से खरीद के हम लोग रीसेल नहीं करने वाले, हम लोग खुद की डिजाइन जिस चीज के लिए निदा फेमस है उसके फैशन सेंस के लिए वही करने वाले, और उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। बट यहाँ से निकले तब आप कमेंट डाउन करिए कि इसमें से चारों में से कौन सा मैंने बनाई हो और कौन सा सुफियान ने बनाया। तब से सोशल मीडिया की जमाना है, तब से मैं पेन यूज करना छोड़ दिया, सब कुछ फोन पे हो जाता ना। हाँ। थोड़ा हाथ साफ नहीं है मेरे। अच्छा 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 ठीक है, वो लोग बता देंगे कि कौन सा तुम्हारा और कौन सा मेरा है। तो अभी सुफियान की ड्रॉइंग देख के आपको समझ जाएंगे कि सुफियान बहुत ही बड़े कलाकार आदमी है। ओ हो हो हो, ये क्या है? ये है शॉकिंग फ्लावर। शॉकिंग फ्लावर, ऐसा फ्लावर मार्केट में कब आया भाई, मेरे को तो नहीं पता। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना पुणे में। अच्छा, ये मैन्युफैक्चर करेंगे गाइस, ये डिजाइन है हमारे नए प्रोडक्ट की। मैंने नहीं, मैंने रिवील कर दिया हूं। फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं 3 घंटे बाद। हम लोगों की गाइस हालत खराब हो गई ट्रैफिक में, इतनी ट्रैफिक, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि गाड़ी से उतरूं और मैं पैदल जाके पहुंच जाऊं। गाइस जरा भी देरी बिना किए हम लोग यहां पे पहुंच गए, और निदा ने यहां पर डिस्कशन भी चालू कर दी है कि डिजाइन उसको क्या बनवानी है क्या नहीं। फुल मीटिंग चालू है यहां पर, मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को अभी, अगर मैं बता दिया डिजाइन क्या तो निदा मेरा गला दबा देगी, मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ महीनों बाद। क्या ऑर्डर किए थे तुमने, ये क्या नाम है इसका? ले नाम नहीं मालूम, कट क्यों नहीं रह रहे, और इससे कट नहीं रहा है तो अभी हाथ से खाने को पता ही था सूफी कि तुम हाथ से ही खाओगे एट दी एंड। खाओ खाओ, मुझे भी खिलाओ। सो गाइस हम लोग बाहर बैठे थे, बाहर इतनी गर्मी लग रही थी हम लोगों को कि हम लोग से काम हो ही नहीं रहा था, इसके लिए हम लोग अभी एसी वाले सेक्शन में आ गए। कुछ मंगवाना पड़ेगा बैठने के लिए, भूख तो मुझे लगी। तो स्टारबक्स ही क्यों मिला, कुछ और भी जा सकते थे हम लोग। अभी सीसीडी चलते वहाँ पर, एक मंगा लिया 30 रुपए वाली कॉफी, और वहाँ भी बैठते हैं बस लंबे 3 घंटा, है ना। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है और सारी डिजाइन सिलेक्ट हो चुकी है हम लोगों की। निदा ने सब डिजाइन जो घर पे बनाई थी वो सब लाके यहाँ पर दे दी, और मैन्युफैक्चरर को बोले कि भाई आप ये कर सकते हो कि नहीं, उन्होंने बोला हाँ ठीक है सब हो जाएगा। गाइस मतलब मजा आ जाएगी गाइस, आप लोग देखोगे। और सेकंड थिंग ये रहेगी कि हम लोग लॉन्च करने के पहला गाइस हम लोग स्पेशली एक्सक्लूसिव ऑफर रखेंगे, मतलब उससे बात ही बात आप लोगों को पता चली जाएगा। वो तो अभी मैं कुछ नहीं बताऊँ, निदा चिल्लाएगी, मेरे पेट में कुछ बात रह क्यों नहीं पा रही यार, समझ में नहीं आता मुझे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से मैंने डिजाइन फाइनलाइज कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग में एज अ स्टार्टअप है तो मैं सोच रही कि थोड़ा कम क्वांटिटी रखी जाए, बट एकदम बेस्ट बढ़िया क्वालिटी हो, वेराइटी। हाँ वही, हाँ सॉरी, 15 वेराइटी कम नहीं होती स्टार्टअप के लिए, 15 नहीं 15 से ज्यादा है पगले। हाँ, लेकिन तो और ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए नहीं करूँ कि मुझे बिजनेस खोलना है तो मुझे मतलब बस पैसे ही छापने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, नहीं। आई रियली रियली वॉन्ट कि जैसे लोग मुझे हिजाब में देख के इंस्पायर हुए, आई वॉन्ट कि लोग मेरे ड्रेसिंग सेंस को भी थोड़ा बहुत अडेप्ट करें। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी समथिंग, यू नो, जो जैसा मैं अपने आप को कैरी करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग भी वो चीज से इंस्पायर हो और लोग चालू करें अपने आप को वैसा कैरी करना। और उसमें एक हो जाएगा कि आप थोड़ा मॉडर्न भी दिखोगे और आप अपने हिजाब को भी कंटिन्यू रख सकते हो। तो मैंने आप कुछ ऐसा यू नो तड़कता भड़कता कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन लाने वाली कॉन्सेप्ट, बस रेडी रहिएगा। और तो लोग कॉमेंट भी बहुत करते दीदी, जो आप पहनते हो बहुत एक्सपेंसिव, आप लोग खरीद नहीं पाते। तो अफोर्डेबल प्राइसेस में रहेगा कि आप लोग बहुत इजीली खरीद सकते हो। करेक्ट करेक्ट। तो बस आई होप फॉर द बेस्ट कि हर चीज अच्छे से हो जाए। और ऐसे ही जैसे अभी सिर्फ 15 या 18 कुछ वैरायटीज लाने वाली हूँ, तो मैं और ज्यादा वैरायटीज ला पाऊँ जैसे जैसे मुझे डिमांड आते जाए। तो यू नो हर चीज में मैं फिर बढ़ोतरी करते जाऊँ। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि बस गाइस 1-2 महीने का प्रोसीजर है। हाँ, थोड़ा 1-2 महीने का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके पेज मैनेजमेंट से लेके मतलब सब कुछ है। 1-1.5 महीने का प्रोसीजर है गाइस, बस समझ जाओ थोड़ा अभी। लेकिन नहीं ना, तो गाइस बस अभी मिलते हैं अभी सुबह ने, तो मस्त गाइस एक्साइटमेंट दिखाओ कमेंट्स में यार कि आप लोग हमारे ब्रांड खुलने से एक्साइटेड हो या नहीं हो, हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और आप टेंशन मत लो, कपड़े की लॉन्चिंग से पहले हम लोग ब्रांड का नाम डिस्क्लोज कर देंगे, सब कुछ आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जो हम नया पेज बनाएंगे उस पे मिल जाएगा। एंड आई होप गाइस आप लोग हमें जैसे यहाँ सपोर्ट करते हो, ऐसा प्यार देते हो, वहाँ पे भी सेम हमें वही चीज मिले, ताकि हमें और हिम्मत मिले कि आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा ला सके हम। ओके गाइस, लव यू। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं रात के 2, और 2 बजे निदा मैम खाना बनाने खड़ी हुई है। गाइस बताओ इतना डेडिकेशन है बंदी में, सुबह से लेके शाम तक हम लोग गए मीटिंग पटाए सब की और अभी खाना बना। निदा क्या बना रहे हो मेरे लिए? खिचड़ी और मम्मी ने कढ़ी दी है तो हूँ। ओहो, और गाइस मैंने बाहर से लेके आया हूँ क्रिस्पी चिकन। तो गाइस निदा मेरे लिए बना रही है खिचड़ी, क्यों ना मैं इसके लिए भी बना दूँ चॉकलेट मिल्कशेक। पियोगे? मिल्कशेक चॉकलेट नहीं पीना, मुझे फ्रूटी कुछ पीना, फ्रूटी कुछ बनाना। मतलब इसको कोई एक ऑप्शन दो तो उसको पसंद आता ही नहीं है, वो उस चीज से हटके ही कुछ जो चीज अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ना स्विगी पे देखो ना क्या मिल रहा है अभी, कौन सा फ्रूट मिल रहा है, मुझे फ्रूट खाना। थोड़ी देर बाद मिलता होगा स्विगी चेक करके। गाइस देखे फिर इसका मन पलट गया, अभी इसने बोली स्विगी चेक करो, मैंने स्विगी चेक किया, स्विगी पे सब कुछ अवेलेबल था, फिर भी बोलती नहीं मुझे अंगूर खाना है। ये देखो ये अंगूर निकाली इसने अंदर से, हाँ, थोड़ा इसको अंगूर मिल गया। बोलो मतलब नहीं जान। तो गाइस मुझे नई जॉब मिली है, अब मुझे अंगूर को अलग करना है, एक एक करके फंगस वाले हटाना है, जिसमें फंगस नहीं है उसको रखना है। वाह इतना बड़ा काम दे दी निदा ने मुझे। अलग कर दिया हूँ दोनों अंगूरों को, अच्छे वाले अंगूर इधर है, बुरे वाले अंगूर उधर है। इतना सी भी जो मुझे लग रहा था डाउटफुल, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि इसमें हो सकता है भले वो अच्छा क्यों ना, फिर भी मैंने फेंक दिया। जा खुश रहे जितना अच्छा है उतना है, सब वेस्ट होने से कुछ तो वेस्ट तो अनाज है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। और गाइस ये हम लोगों ने क्रिस्पी मंगाए, निदा ने खिचड़ी बनाई है और हम लोग बैठ के मियां बीवी चुपचाप खाएंगे। ठीक है गाइस बाद में मिलते हैं। तो गाइज हमारा खाना पीना हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खा लिए, सुफिया ने क्रिस्पी खा लिए और अभी हमारे घर की लाइट चले गई है, मतलब लाइट हमारे घर की ही पूरे सेक्टर की चले गई। पहले तो पूरा अंधेरा धूत अंधेरा हो गया था, बट अभी जनरेटर्स चालू है और मुझे इतना पसीना है ना, मैं सुफियान को बोल दी भाई मैं फैन के बिना नहीं रहने वाली। तुम्हारे फैन का बंदोबस्त कर ही रहा हूँ मैं। सुफियान मेरे को बहुत अच्छा आइडिया दिए, पहले तो बोले कि तुम्हारे फैन के लिए अपने पास फैन है, वो मेकअप जिससे तुम सुखाते हो फैन है, तो मैं बोली देख लो जैसे ही चालू करने गए तो उसमें भी चार्ज नहीं है, तो बेचारे अभी वो ढूंढ रहे क्या। उसके पहले मेरे को तुम ये बताओ, जो दिख रहा है कि पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं है, ये बाहर गई मेरे को बोलती है सुफियान तुम बटन चालू करके रखो, बोला बटन चालू करने से क्या आएगा, बोले लाइट आएगी तो मालूम पड़ेगा, सबसे पहले एसी चालू पागल को ये नहीं पता बाहर की लाइट चलती है वो नहीं पता उसको, फिर यहाँ पर गाइस फिर बाहर गई इधर मैं नहीं आ रही यार मेरे को गर्म होगा। तो गाइज मैंने इसको बोला जाके देख नीचे स्ट्रीट लाइट आई है कि नहीं आई है, तो वो नहीं देखी इसने, जो जनरेटर चल रही हुई एक लाइट जो है वो देखी, बोलती बिल्डिंग में लाइट आ गई है। बोले निदा लाइट नहीं है ये स्ट्रीट लाइट दिख रही है क्या, बोले नहीं आ गई है।
सीरियसली सुफियान, एक हवा का झोंका तक नहीं आ रहा है। हवा का झोंका, तुम अंदर चलो, मैं बता दो और क्या क्या करी इसलिए, रुक जाओ। फिर गाइस ये बाहर गई, बोले चेक करो ट्रिप हुआ है। बोले मैं ट्रिप चेक करने का ट्रिप भी नहीं हुआ। बाजू वाले को फोन लगा दिया, हेलो तुम्हारे घर में लाइट है क्या? अरे जब मैं बोल रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं दिख रही है, तुम पूरे जगत में फोन कर रहे हो निधा? क्योंकि लास्ट टाइम हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, अगर तुमको याद रहेगा तो। निधा इसका मतलब ये कि अभी भी कटी हुई रहेगी, मैं भर चुका हूँ बिल। क्या लड़की यार, अभी मेरे से ना फैन चालू करवा रही है। फैन चालू करने के लिए फैन में बैटरी है, बैटरी के लिए उसमें चार्ज नहीं है, चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्योंकि लिए तुम अब मेरे को क्या याद रहेगा, मेरे को मालूम रहेगा कि तुमने लाइट बिल भर दिया है महीने का कि नहीं, तो मैं थोड़ा डाउट में थी। तो गाइस मैं पावर बैंक ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, पावर बैंक मिल जाएगा तो उसका फैन चार्ज कर दूंगा मैं। हद कर दिए निधा यार तुमने, मिल गया चार्जर, चलो बहुत अच्छी बात है। पावर बैंक में लगा के अभी तुम फैन यूज करो, चार्जिंग चालू, फैन नहीं चालू हुआ। ए इधर लाओ, अरे चेक तो करने दो पहले। अरे चार्जिंग खत्म, पावर बैंक की भी। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली पावर बैंक में भी चार्ज नहीं है, तो अब मैडम बोल रही है कि चलो नीचे लेके चलो मुझे कार में एसी में घुमाओ। मतलब इतनी रात में 5 बजे मैडम को कार की एसी में घूमना है क्योंकि घर की लाइट गई है। क्या करूं मैं, इसका मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूं। बोलती है मैं चेंज करने जा रही हूँ अंदर, क्या लाइट चालू, लाइट चालू यार निदा, हद कर दिए तुमने। अंगूर भर रही है साथ में, गांव नहीं जा रहे हैं तो पागल, ये टाइम पे कुछ खुला नहीं रहता है, सुबह के 10 बजे सब खुलता है। एक सेकेंड, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। लाइट गई, अपन बाहर गए, लिफ्ट भी बंद हुई तो? अरे नहीं बंद हुई, तभी तो जनरेटर चालू रखे पागल। ऐसा है क्या, देख के आता हूँ। देखो नीचे जाने की इतनी खुशी के स्कार्फ भी उल्टा पहन गई है, हाथ में पानी की बोतल, अंगूर की थैली, मतलब कहाँ जा रही हो तुम? इधर देखो लिफ्ट उतर रही है, अगर रास्ते में बंद हुई तो ये कैमरा चालू रहना चाहिए गाइस। पर मुझे समझ में नहीं आता है, बिल अपन पे करते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बाहर वालों को पता नहीं, लिफ्ट लिफ्ट के लिए यूज होती है। तो लिफ्ट में भी उतर नहीं रही, अपने काम नहीं आ रही है वो भी यार, जनरेटर इमरजेंसी में टीवी फ्रिज ओवन मिक्सर सब सही बात। तो गाइज मैं कार में आ चुकी हूँ और बज रहे हैं 4:54, मतलब 5 बजने के करीबन आ गया है, और सुफियान ने मुझे कार में बिठा के एसी चालू करके चले गए, बोले कि तुम बैठो खाओ पियो, तक मैं पूछ के आता हूँ कि लाइट कब तक आएगी वरना हम लोग घूमते ही रह जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है मैं बैठती हूँ, मुझे एसी चालू करके चले जाओ, अभी देखते क्या बोलते वो आके। तुम मेरे को बिठा के वॉचमैन से पूछने गए थे, तुम तो चेंज वेंज करके आए। वो छोड़ो क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं गया तुमको फोन देके, क्या मैंने तुम्हारा फोन रखो मैं जाके आता हूँ, अब वॉचमैन से बात किया तो मैं चलो टी शर्ट भी चेंज ही कर लेता, मैं बोला बहुत गंदा लग रहा है नीचे जा रहा हूँ, कभी कहीं जाना हो गया कभी मिल गया रस्ते में, तो फिर मैं ऊपर गया, अब घर में लाइट ही नहीं है, मैं बोला अब देखूँ तो देखूँ क्या। दोनों फोन यहाँ छोड़ के गए थे, फ्लैश लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं घर में, तो मैं बोला देखूँ तो देखूँ क्या, मैं अब ढूंढ रहा बोला क्या, शर्ट भी नहीं दिख रहा कुछ, दो निकला फील किया मेरा, टी शर्ट कौन सा है जो मिला निकला, तो नसीब से फुल व्हाइट कलर का निकला एकदम मस्त नया। यार बाहर तो धूत अंधेरा है सुफियान, बाहर की तो स्ट्रीट लाइट भी बंद है पूरी, आज चांदनी माय गॉड गाइस, जल्दी से जल्दी दिखाओ, क्या बोल रहे हो तुम, अरे बाप रे, अरे माँ सब बिल्डिंग के लड़के लड़के भी है, हाँ सब बाहर ही निकल के जाएंगे ना पागल। अबे हाँ सब मेरे बिल्डिंग के दोस्त लोग भी मिल गए मालूम, तो खड़े थे नीचे आ गए, बोले भाई हवा ही नहीं आ रही ऊपर, इतना अच्छा आइडिया मैंने दी कि कार में घूमते, समझे ना। और क्या बोला वॉचमैन ने वो बताओ, वॉचमैन ने बोला कि 1 घंटे से लाइट गई है, अब देखो कभी आती है पता नहीं है, लाइट कार पूछा था पता, मैं बोला ठीक है, फिर तुम कहाँ चले, मेरा जरा आता राउंड मार के मेरा थोड़ा, तो बोले ऐसे कपड़ों में, अच्छा चुप चलो चुप हो जाओ, पूरे एरिया की लाइट गई है, पूरे एरिया की हमारे, और हमारे पास बाहर निकलने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं, कहीं हमारा एरिया भी एरिया 91 तो नहीं हो गया। तो चुप रे क्यों घूमती हूँ मैं इसके साथ। सो गाइस ये कौन लेके आया था और कौन पकड़ के चल रहा है, सो गाइस वो सब जाने दो, अभी मेरे हालात तो आप लोगों को क्या ही बताऊं मैं। गाइस हम लोग अभी आ गए हैं मिसबा के घर पर उसको सरप्राइज देने, सुबह के बज रहे हैं 5 और गाइस हम लोग उसको मस्त यहाँ पे डराएंगे और देखते उसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है खोलो सरप्राइज। सो गाइस फाइनली 7:30 बज चुके हैं, यहाँ पर हम लोग आए थे खाली मिसबा को मुंह दिखाने के लिए, और हमने पूरा अच्छे से बैठ के उसको मुंह भी दिखा लिया, अपने इमोशंस भी दिखा दिए, सब कुछ हो गया, और अभी हम बात करते करते गुड मॉर्निंग हो गई। यस गुड मॉर्निंग हो गई, सोना 15 मिनट में ही आ गई थी गाइस, बट यहाँ पे बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। कुछ बोलना है बस, टकलिया तुमको टकलिया बोला, तुम टकलिया।
वाह 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 वाह, पहली बार सुबह देखा हूँ मैंने, मेरी आंखों को ऐसा लग रहा है कि चुभ रही है सुबह गाइस। वाह सुबह की ताजी हवा, आहा क्या हो गया? अरे बहुत ज्यादा चुभ रही है। अच्छा आंख में चुभ रही है क्या तुम? ये तो गाइस नाइटी पहन के आ गई, भारी है। ए बॉटल ले लिए ना? अच्छा की अच्छा। सो गाइस चलो फाइनली लाइट आ चुकी है घर पे और हम लोग अभी घर पे भी आ गए हैं, तो चलो सोने चलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज। Thank you.